गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सुजुकी के शोरूम में। तो भाई जो है वो अंदर गए हैं अपने फाइल वगैरह लेने के लिए। तो मैं बैठ गया गाड़ी में क्योंकि गाड़ी अभी अनरजिस्टर्ड है, तो खतरे से बचने के लिए फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। तो अभी भाई थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे फाइल लेके। तो फिर साथ ही हमारा जो है एक्साइज का रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके इसकी रजिस्ट्रेशन है वो करवाएंगे। तो फाइल जो है वो मिल गई है, तो अभी एक्साइज वहाँ पे जाते हैं। डेढ़ बज चुका है और गाड़ी भी रजिस्टर्ड हो गई है और नंबर प्लेट्स हैं वो भी बन गई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वापस समुंदरी। तो यहाँ से नंबर प्लेट्स अभी फिट करवाई नहीं है, तो मैकेनिक नहीं मिला, तो समुंदरी जाके मैकेनिक से नंबर प्लेट्स भी फिट करवाते हैं और चलते हैं घर फिर। गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी कर चुकी हैं और समुंदरी भी हम पहुंच चुके हैं और भी घाट चलते हैं। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी किया, तो घाट जाके खाना वगैरह खाते हैं। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है लेकिन एसी चल रहा है गाड़ी में। घूमना मैं बाहर निकला हूँ तो इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है ना। मैंने इन्हें आज बाजरा भी डाल दिया और चावल भी डाल दिए, तो जो चीज़ खाने का इनका दिल करेगा तो वो खाएंगे। तो अब इन्होंने सारा बाजरा भी इधर उधर कर देना और चावल भी आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो खाना इन्होंने थोड़ा होता है, खैर इन्हें खाने देते हैं अभी बैठे। अभी ऐसा है कि तकरीबन 6:45 हो गए, तो मैं अभी बाजार से आया हूँ। तो फैसलाबाद से आके मैं सो गया था, रेस्ट की है और बाद में बाजार चले गए हैं रमजान करीम की तैयारी के लिए। तो रमजान के लिए चीजें लेके आए हैं। आज वैसे आखिरी कह लें कि दिन है, ये सूरज जो है वो डूब जाएगा तो फिर चांद देखा जाएगा। अगर तो चांद नजर आ गया, जो कि उम्मीद है कि नजर आ जाएगा, तो कल पहला रोजा होगा। मुबारक हो रमजान। रमजान का जो चांद है वो नजर आ गया, तो खबर भी आ गई है और सामने वो चांद है बारीक सा, पता नहीं कैमरे में नजर आया कि नहीं आ रहा, वैसे नजर आ रहा है। तो सुबह इंशाल्लाह पहला रोजा होगा। माशाल्लाह जी चांद नजर आ गया, तो ऊपर जाके पता नहीं नजर आएगा कि नहीं आएगा, वैसे जो कैमरे पे है वो तो नजर आ गया, हमें पता नहीं नजर आएगा नहीं आएगा। मैं देखने आया था छत पे कि यहाँ पे नजर आता कि नहीं आता, इस तरफ तो कहीं पे भी मुझे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, पीछे से तो वैसे नहीं नजर आना मेरे ख्याल। हाँ इधर से नजर आना था मेरे ख्याल से, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी चांद। आपको भी रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो सुबह इंशाल्लाह पहला रोजा है, तो इंशाल्लाह ताला रोजा भी रखेंगे, इंशाल्लाह ताला सारे रोजे रखेंगे। पिछले सालों से तो अल्लाह का करम है कि सारे रोजे रखता आ रहा हूँ, तो इस साल भी अल्लाह का करम करेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला सारे रोजे रखेंगे। और कोई भी अल्लाह ना करे किसी वजह से छोड़ना पड़े, इंशाल्लाह सारे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मेरी जो बॉडी वेट है वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो भी प्लान करेंगे कि किस किस्म से एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरा हर रमज़ान में मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो इस रमज़ान में एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने एक छोड़ी हुई थी, तो इस बार मेरा दिल कर नहीं रहा, लेकिन मैं मूड बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो रमज़ान में एक्सरसाइज भी क्या करेंगे। अभी वैसे मैं अपने रूम में आया हूँ, तो जो व्लॉग है वो एडिट करने लगा हूँ। उम्मीद है कि जो मैं छोटे मोटे से थोड़े थोड़े से व्लॉग दोबारा से स्टार्ट किए बनाने, तो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो देखेंगे रमज़ान में कैसे व्लॉग करूँगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सहरी वक्त वक्त उठते हैं, वैसे रात तो सोते नहीं होते जो रमज़ान की हमारी रूटीन होती है। तो आज तो सो जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता भी रूटीन बनेगी, तो फिर देखेंगे कि किस किस्म से किस तरह से व्लॉग किया जाए, क्योंकि फजर के बाद जो है नमाज़ फजर के बाद फिर हम सो जाते हैं, फिर जो के वक्त जो है वो उठते हैं, तो देखेंगे क्या रूटीन बनती है, उस तरह से वो रूटीन बनाएंगे, तो व्लॉग भी देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, तो उसी हिसाब से व्लॉग भी बनाते रहेंगे। अभी ऐसा है तकरीबन 11:30 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ बैठा अपना व्लॉग है वो एडिट कर रहा था,
और साथ बैठा है जे खा रहा था जकार। तो ये मेरे पास मैंने काफ़ी ज़्यादा ले के रखे थे तो ये दो ही रह गए थे, तो मैंने कहा ये आज खा लेते हैं। सुबह से इंशाल्लाह रमज़ान है वो शुरू हो जाएगा, शुरू तो हो गया रमज़ान, लेकिन कल सुबह इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, तो इसलिए मैंने कहा अभी भी खा लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये ज़्यादा खाने नहीं है क्योंकि सेहत के लिए भी मेरे ख्याल से अच्छे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वो चटपटा जो चूरन वगैरह सा होता है तो गला ना खराब कहीं पर हो जाए, तो इसलिए बस ये आखिरी थे तो ये मैंने खा ली है। तो अभी 11 बज चुके हैं तो अभी चलते हैं नीचे जाके सोते हैं, तो सही टाइम उठना भी है। तो वैसे सैरी जो है वो पहले हुआ करती थी, को 2 बजे उठते जाते थे और 4 बजे तक ख़त्म हो जाती थी, अब मेरा ख्याल कोई 4 बजे से 5 बजे के दरमियान होगी ख़त्म, तो इस तरह का हिसाब किताब है। तो अगर आपको ये आज वाला छोटा सा व्लॉग था अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।